Hello student, I hope you are fine. In previous video, we discussed about linear graphs in which we discussed location of a point and coordinates. Now today, we will discuss some questions based on same topic. So, example number 1 is, draw the line passing through 4,3 and 6,1. Find the coordinates of the points at which this line meets the x-axis and y-axis. तो सबसे पहले हमें इस दो कोऑर्डिनेट से एक लाइन पास करानी है, ठीक है? उसके बाद वो x-axis और y-axis पे कहाँ मीट की है, उसका कोऑर्डिनेट लिखना है, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे ओरिजिन O, ठीक है? वो जीरो हो गया। फिर यहाँ लिखेंगे x और उधर लिखेंगे y एक्सिस, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे 6 मैक्सिमम है x कोऑर्डिनेट में, एक 4 है दूसरा 6, तो 4 6 मैक्सिमम हो गया और y कोऑर्डिनेट में 3 मैक्सिमम है, ठीक है? सो यहाँ पे x एक्सिस में हमें कम से कम 6 तक चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 एक और ले लेते हैं 7, ठीक है? और y कोऑर्डिनेट में हमें मैक्सिमम 3 चाहिए, तो 4 तक बना लेते हैं, 1 2 3 4 एक और ले लीजिए, अच्छा 5, ठीक है? चलिए अब हम प्लॉट कर लेते हैं 4,3, ये हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 4,3 कहाँ आएगा, पहले 4 हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मूव किए, फिर ऊपर अप में मूव करेंगे, 1 2 3 ये हो जाएगा 4,3, ठीक है? नेक्स्ट है 6,1, तो 6 देखिए हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे यहाँ, फिर 1 ऊपर अप, ये हो गया 6,1, ठीक है? अब इसके थ्रू हमें एक लाइन पास करानी है, तो देखिए जब आप इसके थ्रू एक लाइन पास कराएंगे, तो देखिए यहाँ पे हम स्केल सेट करेंगे, दोनों पॉइंट आए हम स्केल को ऐसे सेट करेंगे, ठीक है? सो चलिए हम पास कराते हैं अब लाइन। ठीक है, देखिए लाइन पास हो गई है, ठीक है? समझ में आ रहा है ना कैसे स्केल के थ्रू हम इसको ड्रॉ करेंगे? अब देखिए क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट विच दिस लाइन मीट्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हमें कोऑर्डिनेट बताना है कि ये लाइन कहाँ मीट की एक्स एक्सिस पे, तो मतलब हमें इसका कोऑर्डिनेट बताना है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे ऊपर ए, पॉइंट का नाम दे दिए, ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा 7,0, क्योंकि सिर्फ x कोऑर्डिनेट है 7, y तो मूव ही नहीं किया है, तो वो 0 हो जाएगा। अब देखिए y एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे, तो पहले यहाँ पे हम लोकेट कर लेते हैं, और देखिए 6 होगा आगे 7 होगा, तो ये पॉइंट का नेम क्या हो जाएगा b, और इसको हम लिख सकते हैं 0,7, क्योंकि हॉरिजेंटल पे मूव नहीं किया है, सिर्फ वर्टिकल पे मूव किया है, तो 7 वहां होगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो हम यहां लिखेंगे साइड में द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स एट विच दिस लाइन मीट्स द एक्स एक्सिस एट एक्स एक्सिस पे कहाँ मूव कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे मूव कर रहा है, तो हो जाएगा ए, ब्रैकेट में 7,0 एंड वाई एक्सिस एट बी 0,7। कोऑर्डिनेट ही बता रहा है आपको कि वो वाई एक्सिस पे मीट कर रहा है, वो एक्स एक्सिस पे मीट कर रहा है, ठीक है? समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2 इज, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द गिवन फिगर्स। तो देखिए यहाँ पे एक ग्राफ दिया है, उस ग्राफ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं और सारे पॉइंट्स से मिला के कुछ शेप्स बनाए गए हैं। तो देखिए फर्स्ट शेप ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये और फोर्थ ये, आपको उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेमिंग कर देते हैं, ठीक है? सो फर्स्ट फिगर में नेमिंग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए, बी, सी,
डी, ठीक है। नेक्स्ट फिगर में नेमिंग कर देते हैं ई एफ जी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट फिगर में नेम कर देते हैं एच आई जे के। अब नेक्स्ट में कर देते हैं एल एम एन ओ पी क्यू, नेमिंग हो गई है, ठीक है। अब हमें सबका कोऑर्डिनेट लिखना है, तो पहले हम यहीं पे लिख लेते हैं फिर राइट कर लेंगे, ये ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। सो ए के बगल हम लिख लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा, देखिए हॉरिजॉन्टल पे कितना है वन और वर्टिकल पे भी कितना है वन, तो हो जाएगा वन कॉमा वन। बी का देखिए वो एक्स एक्सिस पे ही बन रहा है तो क्या हो जाएगा थ्री कॉमा जीरो, ठीक है। सी का देखिए कहाँ पे है, फोर पे है और इधर कहाँ है टू पे है, तो हो जाएगा फोर कॉमा टू, ठीक है। डी देखिए एक्स एक्सिस पे कहाँ पे है, ये टू पे है और वाई पे कहाँ पे है थ्री पे है, तो हो जाएगा टू कॉमा थ्री। ई पे आते हैं हम, ई देखिए एक्स एक्सिस पे वन है और वाई एक्सिस पे टू, तो हो जाएगा वन कॉमा टू। एफ देखिए वाई एक्सिस पे बन रहा है तो क्या होगा जीरो कॉमा फाइव। जी देखिए नेक्स्ट, तो जी पे देखिए हॉरिजॉन्टल पे वो टू है और वर्टिकल पे कितना है फोर, तो हो जाएगा टू कॉमा फोर। ध्यान रखिएगा हॉरिजॉन्टल वाला पहले लिखते हैं, आप लोग गलत कर देते हैं। उसके बाद एच है, एच में देखिए हॉरिजॉन्टल पे कितना है फोर और वर्टिकल पे कितना है थ्री, तो हो गया फोर कॉमा थ्री। आई देखिए हॉरिजॉन्टल पे कितना है फाइव और वर्टिकल पे कितना है फाइव, तो फाइव कॉमा फाइव। जे देखिए हॉरिजॉन्टल पे कितना है सिक्स, वर्टिकल पे कितना है थ्री, तो सिक्स कॉमा थ्री। के देखिए हॉरिजॉन्टल पे कितना है फाइव और वर्टिकल पे कितना है वन, ठीक है। हम आते हैं अब एल पे, तो एल पे देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी टू होगी और वर्टिकल कितनी होगी फाइव, तो टू कॉमा फाइव। एम देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है वन और वर्टिकल कितनी है फाइव, तो वन कॉमा फाइव। एन देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है टू और वर्टिकल कितनी है सिक्स, तो टू कॉमा सिक्स। ओ देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है थ्री और वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है सिक्स, तो थ्री कॉमा सिक्स। पी देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है फोर और वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है फाइव, ठीक है। क्यू देखिए लास्ट वन, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है फोर और वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है फोर, तो फोर कॉमा फोर। अब हमको सब राइट करना है, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो लिखेंगे यहां फिगर फर्स्ट, तो हो जाएगा ए वन कॉमा वन, बी थ्री कॉमा जीरो, सी फोर कॉमा टू, डी टू कॉमा थ्री। फिगर टू, ई वन कॉमा टू, एफ जीरो कॉमा फाइव, जी टू कॉमा फोर। नेक्स्ट फिगर थर्ड, एच फोर कॉमा थ्री, आई फाइव कॉमा फाइव, जे सिक्स कॉमा थ्री, के फाइव कॉमा वन। लास्ट फिगर फिगर फोर, एल टू कॉमा फाइव, एम वन कॉमा फाइव, एन टू कॉमा सिक्स, ओ थ्री कॉमा सिक्स, पी फोर कॉमा फाइव, Q फोर कॉमा फोर और यहाँ पे G भी रहेगा, ठीक है। सो G टू कॉमा फोर, ठीक है। कम टू द लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर थ्री इज स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट दैट आर फॉल्स, अगर फॉल्स है तो आपको करेक्ट करना है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखा है ए पॉइंट हूज x कोऑर्डिनेट इज जीरो एंड y कोऑर्डिनेट इज नॉन जीरो विल लाई ऑन y एक्सिस, तो क्वेश्चन है
अगर कोई पॉइंट है लाइक जिसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो और वाई कोऑर्डिनेट नॉन जीरो, मतलब कोई नंबर हो लाइक 5, तो क्या ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा? तो इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो कहाँ लाई करेगा? वाई एक्सिस पे ही लाई करेगा क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है। सो क्या होगा ये? ट्रू। इसमें हमें कुछ करेक्शन नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेट इज जीरो एंड एक्स कोऑर्डिनेट इज 5 विल लाई ऑन वाई एक्सिस। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या बनेगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 5 है और वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये कहाँ लाई करेगा? वाई एक्सिस पे लाई करेगा। फॉल्स है ये, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, हाँ इसकी जगह हम लिख सकते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर 0, 0। क्या ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0, 0 होता है? सो क्या होगा, सही लिखा है तो ट्रू। नाउ वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। सो हियर गिवन 4 क्वेश्चन, 2 ऑन दिस पेज एंड 2 ऑन नेक्स्ट पेज। तो देखिए जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन हैं वो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है फ्रॉम एक्सरसाइज 15.2, ठीक है, विच आर सेम एज एग्जाम्पल्स विच वी डिस्कस्ड अर्लियर इन द वीडियो। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं, ये एग्जाम्पल बुक का क्वेश्चन है यूनिट 12, क्वेश्चन नंबर 41 एंड क्वेश्चन नंबर 42। इसमें देखिए लिखा है राइट द एक्स कोऑर्डिनेट, जिसको हम एक्सिस भी बोलते हैं, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन पॉइंट्स। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है, हमें बताना है इसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, लाइक 7 और 3 में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 7 होगा। तो आप आंसर में लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ, तो पहले कोऑर्डिनेट लिखिएगा इज 7, ठीक है। इस तरीके से दोनों क्वेश्चन करिएगा एंड आफ्टर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस चेक योर आंसर विच आर गिवन हेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।